हेलो, थोड़ा सा और पास ले, थोड़ा और पास, थोड़ा सा और पास ले आओ, थोड़ा सा टूट रही है आवाज, टूट रही है। भारत माता की, जिन लोगों ने ओ थोड़ा सा और पास ले आओ। दोस्तों, आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है। मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, शुक्रिया, आज यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे, क्योंकि भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभियुक्त और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया, क्योंकि 10 लाख का बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है। सीएम बेल वाला, पूर्व डेप्यूटी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले, ये कैसी पार्टी है भाई? अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने इन रिश्वत ली और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ये हिंदू भारत माता की जय बोलता है, ये हिंदू भारत माता की जय नहीं बोलता, इसको मारो, इसको पकड़ो। लोग खुलेआम टीवी पे आके कह रहे इसका गला काट देंगे, इसको पाकिस्तान भेज देंगे, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है, नहीं कहता ये। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा, कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये उनका सपना था, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। सब लोग मिलकर आवाज उठाओ, ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था।